और ये देखिए आप, ये है पेड़े मशहूर जमाना की। और ये गोया डाला डंगा का मक्खन निकाले गया, इसमें गोया डाला को डंगा 1947 का। अच्छा 1947 से लोग दोस्तों ये काम कर रहे हैं। और क्या टाइमिंग क्या रहती है आपकी? हमारी सुबह 3 बजे लेके 1 बजे तक है। अच्छा सुबह 3 से 1 बजे तक, ठीक है। अच्छा तुम 4 गिलास भी बनाओ आपके साथ करते हैं, फिर से इसे आप तैयार करते हैं। लोग आते हैं, आप अंदाजा लगा दीजिए कि हम गया से हमदा साहब चाचा फीका रफीक पठान ये उनके होते हैं। और ये पेड़ों वाली इनकी लस्सी ऑल ओवर द पाकिस्तान में मशहूर है, तो इनसे थोड़ा सा जानते हैं आपका कब से है। मैं ऑफ कर रहा हूँ ये ड्यूटी, ये फेमस होने की वजह क्या है, इस पे आप क्या क्या करते हैं? ये हमारे अलावा बनाते ही कोई। अच्छा इसमें मतलब होता है, आप अगर देखें तो काफी जगह से डोटा लगाना है, आपको आधा घंटा में बैठाएंगे। आपको लस्सी की जल्दी नहीं मिलेगी, खोया डालना है, पेड़े डाले हैं, सबको कोटेगा, कोट के खोए से मक्खन तैयार करेंगे, उसमें दूध ऐड करेंगे, मक्खन होगा आएगा नीचे सरदाई बनेगी उसकी लस्सी। और आपकी लस्सी जो है ना, ये इंडिया में बड़ी फेमस है, स्पेशल इंडिया के पंजाब में अमृतसर जलंधर पंजाब ही तो सुरक्षित है। क्यों तैयार हो गई है तैयार लस्सी नज़द अजमल गवार था ना, नज़द अजमल गवार यहाँ पे होटल की चौक में, कोई इतना मुश्किल व्यक्ति नहीं। ऑन गूगल है, ट्रेन का डिपेंड करता है, छुट्टियों में रश होता है, गर्मियों में रश होता है, कल संडे और उसकी तैयारियाँ आज भी हफ्ते का आज भी काम पे चल रही है। मेहमान हाँ जी बर्फी बंद है, मैं चाबी लगा ताला लगा दो, मैं चाबी उधर भी कस्टमर है।
भाई हम डिस्ट्रिक्ट लैया से हैं, सेल से नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लैया से साउथ पंजाब में। जी भाई हमारा लहजा है हर इलाके का अपना अपना लहजा है। पंजाब का लहजा जो है सराइकी बोलते हैं। हाँ सर, बड़ी खूबसूरत सुभाव है पंजाबी से, इनफैक्ट ज्यादा अच्छी आप बोल नहीं रहे। रैकी ऐसा बोले ले हैं, लेकिन आसान है भैया पंजाबी भाई रैकी आप कह रहे हैं हम बोलते हैं लेकिन आप सुनते हैं कि भाई को समझ नहीं आता। नहीं ऐसा बोले समझ जाती है मैं सब बोलता हूँ। भाई ये पूरी शूट करनी थी इसलिए आप बोल रहे थे ना कि प्रिया की वीडियो नहीं है। Thank you.
हमारे मोहल्ले में ना बर्फ डाल रहा है, ये बहुत आया आपको।